सो नमस्ते दोस्तों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है क्रिकेट, जो कि दुनिया के कई मैदानों में खेला जा चुका है, जिनमें से कुछ स्टेडियम ऐसे थे जिनका आकार बहुत बड़ा था और वो अच्छा भी दिखता है और लाजवाब भी है। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के टॉप 10 लिस्ट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 10, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का ओवल एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम है। यह स्टेडियम क्रिकेट के सबसे पुराने स्टेडियम में से एक है, जहां पहला मैच टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम के बीच में 1884 में खेला गया था। तो ये स्टेडियम की बात करें तो मैदान के आकार तो यही 167 मीटर लंबा और 127 मीटर चौड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का ये मैदान 41 एकड़ के फैला हुआ है, जहां दर्शक का बैठने की क्षमता 53,000 से भी अधिक है। इस मैदान में क्रिकेट के अलावा अन्य कई खेल भी खेला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये एक क्रिकेट के लिए ही बना गया है। नंबर 9, सो इस लिस्ट में 9वां सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है, जो भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में 16 एकड़ में फैला हुआ मैदान है। इस मैदान का निर्माण कार्य 2003 में पूरा हो चुका था, लेकिन यहां पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नवंबर 2005 में भारत और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच में खेला गया था। इस सबसे बड़े नवे क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों के बैठने का क्षमता करीबन 55,000 से भी अधिक है। नंबर 8, और ये लिस्ट में 8वां सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में आता है भारत की डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि भारत के नवी मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य 2008 में पूरा हो चुका था। इस मैदान में अब तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है, हालांकि इस मैदान में साल 2009 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच खेला जाना था, लेकिन अधिक बारिश होने की वजह से इस मैच को रद्द किया गया था। हालांकि इस मैदान पर लगातार आईपीएल के मैच खेले जाते रहते हैं। इस मैदान का मालिक का नाम है विजय पाटिल। नंबर 7, भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। केरल राज्य का ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मैदान 36 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें दर्शकों का बैठने का क्षमता 55,000 से भी अधिक है। 2015 में पूरी तरह से बनकर तैयार इस मैदान पर पहला इंटरनेशनल मैच 7 नवंबर 2017 को भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेला गया था। नंबर 6, इंडिया के कोची शहर में स्थित यह मैदान इस लिस्ट में 6ठा सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। इस मैदान में दर्शक के बैठने का क्षमता 60,000 से भी अधिक मानी जाती है। इस मैदान में पहला इंटरनेशनल मैच अप्रैल 1996 में खेला गया था, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इस मैदान में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। इस मैदान की खास बात यह है कि यह क्रिकेट के अलावा अन्य खेल भी खेला जाता है। इस मैदान में मुख्य रूप से फुटबॉल और क्रिकेट ही खेला जाता है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम, जिसे पर्थ क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। यह स्टेडियम एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है, जहां क्रिकेट के अलावा अन्य कई खेल जैसे फुटबॉल और रग्बी भी खेला जाता है। यह मैदान का निर्माण कार्य साल 2017 में पूरा हो चुका था, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 21 जनवरी 2018 को खेला गया था, जहां पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 28 जनवरी 2018 को खेला गया था। इस मैदान में दर्शकों की बैठने का कुल क्षमता 65,000 से भी अधिक है। नंबर 4, विश्व का 4था और भारत का 3रा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। 65,000 से भी अधिक दर्शक की क्षमता वाला यह मैदान साल 2013 में बनकर पूरी तरह से तैयार था, लेकिन यहां पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जनवरी 2023 में खेला गया। हालांकि इस बीच यहां रणजी और आईपीएल के मैच खेले जा चुके हैं। रायपुर के इस शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी 2023 को खेला गया था। एक वनडे मैच था और इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। नंबर 3,
विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के कोलकाता शहर में स्थित है, जिसका नाम है ईडन गार्डन, जो कि 50 एकड़ में फैला हुआ भारत का मौजूदा दौर का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का इस दूसरे सबसे क्रिकेट मैदान में दर्शकों के बैठने का क्षमता 80,000 से भी अधिक माना जाता है। इंडिया के इस ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1987 को खेला गया था, जो कि वनडे मैच था। नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो इनमें से दूसरे नंबर पर का स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट मैदान है, जहां दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,00,000 से भी अधिक है। यह स्टेडियम को साल 1853 में बनाया गया था। इसी मैदान पर क्रिकेट इतिहास का पहला मैच जो कि टेस्ट क्रिकेट था और वो साल 1877 में खेला गया था। यह मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम के बीच खेला गया था। क्रिकेट के अलावा इस मैदान में फुटबॉल, रग्बी और टेनिस खेला गया है। नंबर 1, सो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो उनमें पहला नाम आता है भारत के नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पूर्व नाम मटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, हाल ही में नवीकरण करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। बात करें तो दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो कि भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहां दर्शकों के बैठने का क्षमता सबसे अधिक 1,32,000 से भी ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो कि 63 एकड़ पर फैला है एक विशाल मैदान है। इस मैदान में 76 कवरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम के अलावा 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी बनाया गया है। एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला यह दुनिया का पहला स्टेडियम है। बारिश का पानी को भी बाहर निकलने के लिए यहां आधुनिक तकनीक को उपयोग किया गया है, जिसके चलते यहां बारिश बंद होने के आधे घंटे के भीतर ही मैच में शुरू किया जा सकता है। इस मैदान में पहला मैच अक्टूबर 1984 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम है जहां डे नाइट मैच को भी एलईडी लाइट की रोशनी में खेला जाता है। सो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।